मंडी खबर के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से यहां पर बात करेंगे मसूर, हल्दी, धान, चना, मूंगफली और सेब की, और इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं सुर्खियों के साथ। 8 करोड़ टन के पार पहुंची धान की रिकॉर्ड खरीद, अब तक 1,14,00,000 हेक्टेयर हो चुकी है बुआई। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबर के साथ। बता दें आपको कि देश के अलग अलग राज्यों से धान की रिकॉर्ड खरीद जारी है। चालू खरीफ विपणन सत्र 2020-21 और रबी विपणन सत्र के लिए धान की सरकारी खरीद 8,67,00,000 टन के पार पहुंच गई है, जो बीते साल के मुकाबले 12% से ज्यादा है। धान के बाजार पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारतीय खाद्य निगम और अन्य सरकारी एजेंसियों की ओर से धान किसानों से खरीद की जा रही है। वर्तमान खरीफ विपणन सत्र 2020-21 और रबी विपणन सत्र के लिए उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के 12 जुलाई तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों से जारी धान की खरीद में तेजी आई है। 12 जुलाई 2021 तक धान किसानों से 8,67,06,000 टन से अधिक की धान खरीदी जा चुकी है। धान की इस खरीद में खरीफ फसल का 7,07,59,000 टन और रबी फसल का 1,59,47,000 टन धान भी शामिल है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 7,58,54,000 टन था। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की खरीद में 1 करोड़ टन से ज्यादा का इजाफा हुआ है, जो बीते साल के मुकाबले 12% ज्यादा है, जिसका सीधा लाभ धान किसानों को मिल रहा है। बता दें कि इस साल केंद्र सरकार ने धान खरीद के लिए 1,868 रुपए और 1,888 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है और किसानों से इसी भाव पर धान की खरीद की जा रही है। धान की बुआई पर नजर डालें तो इस साल धान का रकबा बीते साल से 11 लाख हेक्टेयर से आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 9 जुलाई तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार धान की कुल बुआई 1,14,82,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 1,26,08,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल एगमार्क नेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की नगरी मंडी में 14 जुलाई को धान का भाव रहा 1,400 रुपए, 15 जुलाई को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 1,400 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं गुजरात की देहगाम मंडी में इस दौरान धान के सौदों में 40 रुपए की तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 15 जुलाई को धान का भाव रहा 1,527 रुपए, जो 14 जुलाई को 1,487 रुपए था। कर्नाटक की हरिहरा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोना क्वालिटी के धान के भाव स्थिर रहे। यहां 14 और 15 जुलाई को सोना क्वालिटी की धान के सौदे बिना किसी उठापटक के 2,000 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की बस्ती मंडी में बुधवार को धान का भाव था 1,700 रुपए, गुरुवार को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1,600 रुपए। बता दें कि इस साल धान की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की उपज 15,00,000 टन से ज्यादा की बढ़त का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की कुल उपज 12,03,20,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,88,70,000 टन की रही थी।
तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी धान के बाजार पर। इसकी सरकारी खरीद काफी अच्छे स्तर पर हो रही है। इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट रवि सिंह का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे कि हमारे किसानों को आप क्या कहेंगे, आगे आने वाले समय में धान के बाजार में किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं? धान के दामों में काफ़ी हद तक एक स्थिरता का दौर देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा उतार या चढ़ाव का माहौल यहाँ पर नहीं है और मंडियों में भी स्टॉक काफ़ी अच्छा है और इसी वजह से धान के दाम जो है वो एक सीमित दायरे में बने हुए हैं। फिलहाल लॉन्ग टर्म पे बात करें तो धान के दामों में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है और इस बार जो तेजी है वो आने वाले 20 से 25 दिनों में थोड़ी बहुत 5 से 8% तक की बनती हुई नजर आएगी, तो आने वाले महीनों में धान के दाम थोड़े से बढ़ सकते हैं। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को किस तरह के कदम उठाने के लिए आप कहेंगे, किस तरह की सलाह रहेगी आपकी? जिन किसान भाई बहनों के पास धान है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और आने वाले अगस्त और सितंबर के महीने में आप स्टॉक को निकालें जिससे कि आपको अच्छा मुनाफा यहाँ पर मिल सके। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई धान के बाजार की। रवि जी, आप हमारे साथ बने रहिए, अलग अलग जिनसों के बाजार के बारे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों का। इस साल बढ़ सकती है रबी मसूर की पैदावार, मंडियों में सामान्य रही आवक। 1 करोड़ टन के पार जा सकती है मूंगफली की पैदावार, घटा बुआई का रकबा। आइए बुलेटिन में बात करते हैं मसूर के बाजार की। बता दें आपको कि इस साल देश में रबी मसूर की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर मसूर की पैदावार 12 लाख टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मसूर के भाव पर देखने को मिल सकता है। मंडियों में इन दिनों मसूर के भाव में मिला जुला रुख है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मसूर के सौदे घटत बढ़त के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। मसूर की पैदावार की बात करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के 25 मई तक के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में रबी मसूर की पैदावार 12 लाख टन से ज्यादा होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान देश में मसूर की उपज 11 लाख टन रही थी। फिलहाल एगमार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में बुधवार को मसूर के भाव इस प्रकार रहे। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 14 जुलाई को मसूर का भाव रहा 5,740 रुपए। 15 जुलाई को इसके भाव में 37 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 5,777 रुपए। वहीं राजस्थान की बूंदी मंडी में इस दौरान मसूर के सौदों में 112 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहां 15 जुलाई को मसूर का भाव रहा 6,001 रुपए, जो 14 जुलाई को 6,113 रुपए था। इसी तरह उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 14 जुलाई को मसूर का भाव था 5,950 रुपए। 15 जुलाई को इसके सौदे 50 रुपए टूटकर 5,900 रुपए पर हुए। राज्य की ही गाजीपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मसूर के भाव स्थिर रहे। यहां 14 और 15 जुलाई को मसूर बिना किसी उतार चढ़ाव के 6,900 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मसूर के भाव की बात करें तो अकबरपुर मंडी में मसूर का भाव रहा 7,050 रुपए, दादरी मंडी में भाव रहा 7,050 रुपए, झांसी मंडी में मसूर 5,570 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही कानपुर मंडी में इस दौरान मसूर के सौदे 5,700 रुपए पर हुए। दालों के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2020-21 के अप्रैल से मार्च महीने के दौरान दालों के निर्यात में 20% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश से इस साल 2,76,863 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 2,32,081 टन का ही हुआ था, यानी बीते 12 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 44,000 टन से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। तो जाना अभी आपने कि किस तरह से कारोबार हो रहा है मसूर के बाजार में, आगे किस तरह की संभावनाएं रह सकती हैं, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। रवि जी, मसूर के बाजार पर क्या कहना है आपका? मसूर के दाम भी एक सीमित दायरे में यहाँ पर बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा उतार या चढ़ाव का माहौल नहीं देखने को मिल रहा है। फिलहाल लंबे समय के लिए यहाँ पर अभी मसूर में बहुत ज़्यादा उतार और चढ़ाव नहीं रहेगा। स्टॉक काफ़ी अच्छा है और इस वजह से भी दामों में एक स्थिरता का दौर देखने को मिलेगा।
जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को आप क्या सलाह देंगे? जिन किसान भाई बहनों के पास स्टॉक है वो यहाँ पर मसूर के स्टॉक को चाहे तो निकाल सकते हैं, क्योंकि दाम आगे बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की तरफ नहीं है, फसल अच्छी है, तो आप यहाँ पर आप अपना स्टॉक निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई मसूर के बाजार की। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अब खीरे के बाजार भाव की। बता दें आपको कि हरियाणा की हम गुरुग्राम मंडी की बात करेंगे तो खीरे का भाव रहा 950 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में इसके सौदे हुए 2100 रुपए पर। वहीं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी की बात करें तो भाव रहा यहां पर 1700 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। खीरे के बाद आइए बता देते हैं आपको गाजर के बाजार भाव का हाल। बता दें हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात करेंगे तो गाजर का भाव रहा 2900 रुपए। वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी में इसके सौदे हुए 933 रुपए पर। साथ ही उत्तर प्रदेश के अकबरपुर मंडी की बात करें तो यहां बिकवाली हुई 2250 रुपए पर। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों की बात करते हैं तो गाजर के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार दर्ज किए गए। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मूंगफली और चने की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। एआईसी के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एआईसी किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। रिपीट करते हैं इसको। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे चने के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं मूंगफली के बाजार की। बता दें कि इन दिनों देश भर में मूंगफली की बुआई हो रही है। चालू खरीफ सीजन में मूंगफली की बुआई का रकबा 3 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। हालांकि घरेलू स्तर पर मूंगफली की पैदावार में अच्छी बढ़त की उम्मीद जताई गई है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर देखने को मिल सकता है। इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कुछ कमी आई है। इसका असर आने वाले दिनों में घरेलू स्तर पर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर देखने को मिल सकता है। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च के दौरान मूंगफली के निर्यात में 25,000 टन की कमी आई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार देश से इस साल 6,38,551 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 6,64,436 टन का हुआ था। वहीं इस साल देश भर में मूंगफली की बुआई पीछे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही मूंगफली की बुआई बीते साल से 3 लाख हेक्टेयर पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 9 जुलाई तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार मूंगफली की बुआई 26,69,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 30,08,000 हेक्टेयर रहा था। हालांकि इस साल देश में मूंगफली की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। इस साल मूंगफली की उपज 1 करोड़ टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मूंगफली की उपज 1,01,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 99,52,000 टन रही थी। फिलहाल एग्मार्क नेट के अनुसार सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव इस प्रकार रहे। उत्तर प्रदेश की एटा मंडी में 14 जुलाई को मूंगफली का भाव रहा 4,550 रुपए। 15 जुलाई को इसके भाव में 150 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 4,700 रुपए पर। राज्य की मैनपुर मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में 40 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहां 15 जुलाई को मूंगफली का भाव रहा 4,620 रुपए, जो 14 जुलाई को 4,660 रुपए था। इसी तरह गुजरात की राजकोट मंडी में भी मूंगफली के भाव में नरमी दर्ज की गई। 14 जुलाई को यहां मूंगफली का भाव था 6,055 रुपए, 15 जुलाई को इसके सौदे 55 रुपए टूटकर 6,000 रुपए पर हुए, जबकि गुजरात की ही धोराजी मंडी में बुधवार को मूंगफली का भाव रहा 5,005 रुपए। गुरुवार को इसके भाव में 275 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 5,280 रुपए।
तो जाना आपने कि किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं मूंगफली के बाजार में, आगे भी ऐसा ही हाल रहेगा या फिर कुछ बदलाव होगा। जानकारी के लिए फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का, जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। रवि जी, मूंगफली की पैदावार में इस बार बढ़ोतरी होने का अनुमान है, तो ऐसे में आगे आने वाले समय में बाजार किस तरह से रह सकता है? मूंगफली के दामों में थोड़ी सी गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। मंडियों में डिमांड कम होने की वजह से, स्टॉक अच्छा होने की वजह से दामों में थोड़ी गिरावट का रुख है। आने वाले अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर, ये महीनों में मूंगफली में फिर से तेज़ी देखने को मिलेगी। आपके पास अगर यहाँ पर तेज़ी की अगर आप संभावना रखते हैं तो कम से कम आपको 2 से 3 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। जी, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे? जिन किसान भाई बहनों के पास यहाँ पर स्टॉक है, उन्हें मूंगफली का स्टॉक थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए और 2 से 3 महीने बाद अपना स्टॉक निकालें, जिससे कि आपको अच्छा मुनाफा हो सके। अक्टूबर के फर्स्ट वीक से आपको जो तेज़ी है वो नज़र आती हुई मिलेगी और उस पर ही आप अपना स्टॉक निकालेंगे तो अच्छा फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई मूंगफली के बाजार की। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं भिंडी के बाजार भाव की। बता दें, गुजरात की राजकोट मंडी की बात करेंगे तो भिंडी का जो बाजार भाव है वो यहाँ पर दर्ज किया गया 1,450 रुपए। हरियाणा की गोहाना मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए और हिमाचल प्रदेश की चंबा मंडी में भाव रहा 2,400 रुपए। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। भिंडी के बाद आइए बात करते हैं लौकी के बाजार की। बता दें कि मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी की बात करेंगे तो लौकी का भाव रहा 1,600 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसकी बिकवाली हुई 850 रुपए पर और दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने कि लौकी का जो बाजार भाव है कि देश के अलग अलग मंडियों में किस प्रकार दर्ज किया गया। बढ़ते हैं आगे, अब बुलेटिन में बात कर लेते हैं चने के बाजार की। बता दें कि देश भर में दलहनी फसलों की पैदावार में इस साल खासा इजाफा हो सकता है। दलहनी फसलों में शामिल अरहर, चना, उड़द, मसूर और मूंग के अलावा बाकी फसलों की पैदावार में 25,50,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के 25 मई तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में दलहन की कुल पैदावार 2,55,80,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 2,30,30,000 टन की रही थी। दलहनी फसलों में शामिल रबी चने की पैदावार दूसरी दलहनी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा रह सकती है। इस साल देश में चने की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। साल 2020-21 में रबी चने की पैदावार 1,26,00,000 टन से ज्यादा हो सकती है, जो बीते साल इस दौरान 1,10,00,000 टन रही थी। चने के अगर हाजिर भाव की बात करते हैं तो बता दें एगमार्क नेट के अनुसार गुरुवार को गुजरात की राजकोट मंडी में चने का भाव रहा 4,300 रुपए, राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 4,478 रुपए, तो वहीं उत्तर प्रदेश की एटा मंडी में चने की बिकवाली हुई 5,640 रुपए पर। जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी की बात करें तो इस दौरान चने के सौदे हुए 5,570 रुपए पर। बता दें ये भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो अभी आपने जाना कि चने के बाजार में किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, आगे कैसा माहौल रह सकता है, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। रवि जी, चने के बाजार को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? चने के दाम हाल फिलहाल में एक तेजी के ट्रेंड में हैं और फिर से एक अच्छी डिमांड यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो आने वाले समय में चने के दामों में थोड़ी बढ़ोतरी और देखने को मिल सकती है। दाम यहाँ से 8% से 10% तक बढ़ सकते हैं, तो लंबे समय में अभी तेजी का एक रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए किस तरह का मशवरा रहेगा, किस तरह के कदम उठाना उनके लिए इस समय सही रहेगा? जिन किसान भाई बहनों के पास स्टॉक है उन्हें बिल्कुल थोड़ा सा इंतज़ार करके चने का स्टॉक आप निकालना चाहिए, क्योंकि जो आने वाले समय है उसमें जो तेजी होगी उसका आप सीधे फायदा उठा सकते हैं। जी, ये तो बात हो गई चने के बाजार की। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे सेब और हल्दी का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, जो महाराष्ट्र के डिंडोरी से लोकसभा सांसद है। मैं आती हूँ तो मेरी एक ट्राइबल कंस्टिट्यूएंसी है डिंडोरी,
और वहाँ के चैलेंजेस बहुत सारे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने जिला परिषद में काम करते हुए खुद देखा है कि कितने प्रॉब्लम्स है महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में है, माल न्यूट्रिशन है, पानी पीने का सुरक्षित पानी मिलना हो, तो ये सारी बातें हेल्थ कमेटी में हो या फिर स्टैंडिंग कमेटी में मैंने काम किया जो 7 साल, तो मुझे लगा कि और भी काम बढ़ाना चाहिए। देखिए हमारा कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानी, सिर्फ डीडी किसान पर। वजन का तेजी से बढ़ना, गर्दन में सूजन और यदि थकान के साथ रहता हो, जोड़ों में दर्द, तो हो जाइए सावधान। थायराइड के शुरुआती लक्षण और उपचार, स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे। स्वाद के सफर में स्वागत है आपका, योग की नगरी ऋषिकेश। शहर की बात, स्वाद के साथ, संस्कृति का मिलन, परंपरा के साथ। देखिए स्वाद का सफर हर शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में बात करते हैं हल्दी के बाजार की। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में हल्दी की आवक सीमित बनी हुई है। आम दिनों के मुकाबले गुरुवार को कुछ ही मंडियों में हल्दी बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार तमिलनाडु की इरोड मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,469 रुपए और फिंगर क्वालिटी की हल्दी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ इसके सौदे रहे 6,996 रुपए। जबकि बता दें राज्य की ही पेरंदुरई मंडी में इस दौरान बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,202 रुपए और फिंगर क्वालिटी की हल्दी की बात करते हैं तो इसका भाव रहा 6,819 रुपए। वहीं देश से होने वाले हल्दी के निर्यात की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से होने वाला हल्दी का निर्यात 33% से ज्यादा बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में हल्दी के भाव पर पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 1,83,000 टन हल्दी का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 1,37,659 टन का ही हुआ था। तो निर्यात की परिस्थितियां बहुत अच्छी बनी हुई हैं और आपने जान लिया कि अलग अलग मंडियों में बाजार भाव किस तरह से हैं, आगे किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं, हालात रह सकते हैं इसके बाजार में, जानकारी ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। रवि जी क्या कहेंगे, हल्दी के निर्यात में बढ़ोतरी का अनुमान है, हम देख भी रहे हैं, संभावनाएं भी बनी हुई हैं, तो ऐसे में इसका असर बाजार भाव पर किस तरह से देखेंगे हम? हल्दी के दामों में काफी हद तक एक सीमित दायरा ही है, थोड़ा बहुत तेजी का रुझान बन रहा है, 5 से 8% तक दाम में बढ़ोतरी बनती जा रही है, अच्छी डिमांड यहाँ पर निकल के आ रही है। निजामाबाद में भी स्टॉक ज़्यादा है लेकिन उसके बावजूद भी अभी मंडियों में थोड़ा सा तेजी का रुख बनता हुआ नजर आ रहा है। जी तो ऐसे में हमारे किसानों को आप क्या करने की सलाह देंगे? जिन किसान भाई बहनों के पास हल्दी का स्टॉक है उन्हें मंडी का रुख करना चाहिए, क्योंकि जो अभी जो तेजी है उसकी उसको आप यहाँ पर भुना सकते हैं और अपना मुनाफा वसूल कर सकते हैं, स्टॉक को बिल्कुल निकालना चाहिए। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई हल्दी के बाजार की। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बता देते हैं आपको कि देश के अलग अलग मंडियों में बैंगन के बाजार भाव किस प्रकार दर्ज किए गए। बात करेंगे यहाँ पर पंजाब की फिरोजपुर कैंट मंडी की, तो बता दें बैंगन का भाव रहा 1,050 रुपए। वहीं राजस्थान की जालोर मंडी में भाव रहा 900 रुपए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के आगरा मंडी में भाव रहा 1,250 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बैंगन के बाद आइए बात करते हैं पत्ता गोभी के बाजार भाव की। गुजरात की अगर हम दामनगर मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर पत्ता गोभी का भाव रहा 1,400 रुपए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इसके सौदे हुए 700 रुपए पर। और वहीं हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की बात करें तो इसके सौदे दर्ज किए गए 1,600 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। पत्ता गोभी के बाद आइए अब आखिर में बात कर लेते हैं सेब के बाजार की। बता दें कि इस साल सेब की पैदावार दूसरे फलों के मुकाबले ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए पहले आकलन के अनुसार सेब की उपज में 2 लाख टन से ज्यादा की बढ़त की उम्मीद जताई गई है।
सेब की पैदावार में लगभग 25,58,000 टन के पार पहुंचने की उम्मीद है, जो पिछले साल समान अवधि के दौरान 23,16,000 टन की रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में एगमार्क नेट के अनुसार गुरुवार को बता दें, उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में सेब का भाव रहा 12,500 रुपए, जबकि पंजाब की फजलका मंडी की बात करें तो यहां पर इसका भाव रहा 12,000 रुपए। महाराष्ट्र की फ्रूट मार्केट मंडी में सेब की बिकवाली हुई 7,250 रुपए पर, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में इस दौरान सेब के सौदे हुए 15,000 रुपए पर। वहीं बता दें आपको कि इस साल देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार फलों का निर्यात 1,22,000 टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात बढ़कर 9,56,961 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 8,34,835 टन का ही हुआ था। तो फलों का निर्यात काफी अच्छे स्तर पर हो रहा है। ऐसे में सेब की अगर खासतौर पर बात करें बाजार की, तो किस तरह के हालात रह सकते हैं, जानकारी ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। रवि जी, सेब के बाजार को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सेब के फिलहाल अभी स्टॉक की कमी देखने को मिल रही है और इसी वजह से इसके दामों में एक तेजी का रुख है। फिलहाल अभी आने वाले एक महीने तक इसके दामों में और तेजी की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस बार स्टॉक कम होने की वजह से भी यहाँ पर सेब के दामों में एक तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या कहेंगे, किस तरह के कदम वो उठाएं? जिन किसान भाई बहनों के पास स्टॉक है उन्हें तुरंत मंडी का रुख करना चाहिए, क्योंकि जो तेजी है सेब की वो अभी एक से दो हफ्ते तक और बनी रहेगी, और इस तेजी का फायदा उठाना है तो आप अपना स्टॉक यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल रवि जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिन्सों पर इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था देश की अलग अलग मंडियों का हाल, और इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। साथ ही एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि आप मंडियों का हाल जान सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए भी। जी हाँ, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कीजिए और किसी भी समय आप देख सकते हैं मंडी खबर अपने मोबाइल फोन पर ही, और जान सकते हैं अलग अलग मंडियों का हाल। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।